हेलो फ्रेंड्स, मैं आज के सेकंड लेक्चर में बात करूंगी। ठीक है, ये जो हमारा सेकंड लेक्चर है, लेक्चर टू, इसमें हम न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे कि फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान एक न्यूमेरिकल है जो अक्सर सेमेस्टर में भी पूछा जाता है, कंपटीशन में बहुत कम पूछा जाता है। सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान जो है वो नागपुर में स्टार्ट किया गया था। कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? नागपुर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, और कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान कहाँ और कब शुरू किया गया था। तो कहाँ किया गया था? तो नागपुर में किया गया था। कब शुरू किया गया? तो 1943 से 63। ठीक है, हालांकि इसे 20 ईयर्स बोला जाता है, बट उससे पहले ही ये कम्प्लीट हो गया था। लेंथ ऑफ एनएच और एसएच या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को निकालने का एक फॉर्मूला दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं दोस्तों, ए बाय 8। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं एक बार फिर से लिखती हूँ फ्रेश। ए बाय 8 प्लस बी बाय 32 प्लस 1.6 इंटू एन प्लस 8 टी प्लस डी माइनस आर। अब दोस्तों मैं आपको बताती हूँ, ए क्या है? एग्रीकल्चरल एरिया। बी है नॉन एग्रीकल्चरल एरिया। नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेज, अ पॉपुलेशन ऑफ 2000 to 500। एन क्या है? नंबर ऑफ टाउन्स और विलेज, जिसमें कि पॉपुलेशन का रेंज कितना है? 2000 से 5000 के बीच में। अब टी जो है दोस्तों वो भी है नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेज ओवर पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन का रेंज कितना चाहिए? ओवर, उससे ज्यादा, 5000 से ज्यादा हो, तो उसे हम टी से डिनोट करते हैं। यही बेसिक डिफरेंस है टी और एन में। अब दोस्तों हम बात करेंगे डी की। 15%, ठीक है, 15% यहाँ पे लेते हैं, ये 15% है। 15% अलाउंस फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, जो टोटल लेंथ का जितना डेवलपमेंट होगा उसका 50%। ठीक है, डी। आर क्या है? रेलवे एरिया। आर को हम लोग क्या कहते हैं? रेलवे एरिया से। अब दोस्तों हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है उस पर डिटेल्स में बात करेंगे। सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान है दोस्तों, ये जो फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान था उसे बहुत जल्दी अचीव कर लिया गया था। हमारा जो गोल था वो बहुत जल्दी अचीव हो गया था, बट सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान थोड़ा सा डिले हुआ था, जो कि कहां पे शुरू किया गया था? बॉम्बे, बॉम्बे में शुरू किया गया था। और कब? 1961 से 81 तक। ठीक है, इसका ड्यूरेशन आप देख सकते हैं दोस्तों, 20 साल का है। ठीक है, सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान। ठीक है, सिमिलरली थर्ड 20 ईयर रोड प्लान कहाँ शुरू किया गया था? लखनऊ में। कहाँ शुरू किया था दोस्तों? देख सकते हैं ये कहाँ पे शुरू किया गया था। थर्ड 20 ईयर रोड प्लान जो है वो लखनऊ में शुरू किया गया था, और कब किया गया था? 1981 से 2001 तक। ठीक है दोस्तों, 20 साल का टारगेट लिया गया था। अब हम बात करेंगे लेंथ ऑफ एनएच विच इज इन किलोमीटर। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है, किसी कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है, और कभी कभी सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, लेंथ ऑफ एनएच अगर निकालना है तो टोटल एरिया ऑफ स्टेट जो आपके क्वेश्चन में गिवेन होगा डिवाइडेड बाई 50, ये आपको देगा लेंथ ऑफ एनएच। ठीक है, कभी कभी ये टर्म दिया रहेगा और आपको ये निकालना होता है, तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। सिमिलरली लेंथ ऑफ एसएच स्टेट हाईवे, तो एरिया ऑफ स्टेट, यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है, यहाँ पे टोटल एरिया ऑफ स्टेट, यहाँ एरिया ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाई 25। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को हम किस तरह से निकालेंगे? एरिया ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाई 12.5। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पे, जो हमारे सेमेस्टर में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है। ये हमें 7 से 10 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है, मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, 7 to 10 मार्क्स के लिए सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। वो क्या है देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, टोटल एरिया गिवन है 9600 किलोमीटर। एग्रीकल्चरल एंड डेवलप्ड एरिया कितना है? 3200 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एरिया, ये भी एरिया है तो किलोमीटर स्क्वायर। एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक लेंथ 105 सेंटीमीटर। एग्जिस्टिंग लेंथ ऑफ सरफेस रोड
दैट इज गिवन 322 किलोमीटर. सिमिलरली एग्जिस्टिंग लेंथ ऑफ अनसरफेस रोड वो गिवन है 415 किलोमीटर. अब आपके क्वेश्चन में गिवन है कि ये पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ टाउन्स और विलेज कितने हैं वो दिया हुआ है. तो हमें किसके बारे में बात करते हैं, 2000 से 5000 के बारे में और 5000 से ऊपर, यही दो ही के बारे में हमको बात करना है. तो दोस्तों इसमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द एडिशनल लेंथ ऑफ सरफेस एंड अनसरफेस, ठीक है, रोड फॉर द रोड सिस्टम बेस्ड ऑन नागपुर रोड प्लान, ठीक है, बेस्ड ऑन नागपुर रोड प्लान. देखिए दोस्तों यहाँ लिखा मेंशन किया, तो हमें फॉर्मूला पता है, ए बाई 8 प्लस बी बाई 32 प्लस 1.6 एंड नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेज विद पॉपुलेशन 2000 to 500. इसमें भी टी क्या है, नंबर ऑफ विलेज टाउन ओवर 5000, डी इज द 15% अलाउंस, ठीक, ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ रोड, माइनस आर, आर क्या है, रेलवे एरिया. अब हम बात करेंगे कि इसमें बी क्या है, ए क्या है. ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था कि इसमें बी क्या है, ए क्या है. तो सबसे पहले हम ए की बात करेंगे. ए क्या है दोस्तों, यहां देखिए आप देख सकते हैं ए क्या है, एग्रीकल्चरल एरिया. तो हमें निकालना पड़ेगा एग्रीकल्चरल एरिया कितना है, नॉन एग्रीकल्चरल एरिया. एग्रीकल्चरल एरिया जिसमें कि खेती बाड़ी होता है, नॉन एग्रीकल्चरल एरिया जिसमें खेती बाड़ी नहीं होता है, ए. तो दोस्तों ए क्या है, यहां देखिए दोस्तों ए हम क्वेश्चन में गिवेन है, देखिए एग्रीकल्चरल एंड डेवलप्ड एरिया वो क्या है, 32. तो हमने क्वेश्चन में ध्यान से देखिए दोस्तों, एक जगह पे 3200 डाल दिया डिवाइडेड बाय 8 प्लस डी. डी क्या है, नॉन एग्रीकल्चरल एरिया, ठीक है. तो टोटल एरिया गिवेन है, सब यहाँ दोस्तों मैंने पहले से बना लिया है, टोटल एरिया गिवेन है, इसमें एग्रीकल्चरल एरिया इतना है, तो जब माइनस करेंगे तो ये आ गया नॉन एग्रीकल्चरल एरिया 6400. अब सिमिलरली 40 ये कहाँ से आया, देखिए दोस्तों ये 40 कहाँ से आया, ये एन है नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेज और पॉपुलेशन 2000 से 500 के बीच में कितने हैं, 40. सिमिलरली 8 इंटू टी, इसमें भी आप देखेंगे ओवर ज्यादा है, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो यहाँ कितना है, 8, देख रहे हैं 8 ले लिया. इस टोटल का ध्यान से देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टोटल का 15%, इस टोटल का देखिए मैंने जो ब्रैकेट लिया है उसका 15%, तो 15% को हमने ऐसे लिखा है 15/100 इंटू 728 और रेलवे का एरिया कितना दिया है, 105, ठीक है. क्वेश्चन गिवेन है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 105 गिवेन है किलोमीटर में. जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको 728 आएगा. 728 का 15% आपको इतना मिलेगा दोस्तों, माइनस 105 पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपको आ जाएगा 732 किलोमीटर, ये आपको दे देगा लेंथ ऑफ एनएच, ठीक है. आई होप दोस्तों आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा. मेरा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.